मंडी का मिजाज क्या कुछ नया है, क्या कुछ यहाँ से हट रहा है, ये तमाम जानकारियां और इसके साथ साथ रेट्स में क्या कुछ यहाँ पर घट रहा है, ये सारी जानकारी आपके साथ इस एक लाइव स्ट्रीम में साझा करेंगे। स्ट्रीम को शेयर भी करें, साथ ही साथ लाइक टीवी के पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर अरुण शर्मा जी जुड़ चुके हैं सब्जी मंडी ऊना से। क्या कुछ यहाँ पर नया है, क्या कुछ बदलाव है, ये तमाम जानकारियां अरुण जी से यहाँ पर लेंगे। और रेट्स आज क्या कुछ है, सब्जी किस भाव आपके घर पहुंच रही है, फलों में क्या उछाल, क्या तेजी, क्या मंदा है। अरुण जी लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। अरुण जी मौसम जो है वो थोड़ा बहुत बदलना शुरू हो गया है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ठंड होनी शुरू हो गई। सब्जी मंडी में क्या कुछ बदलाव यहाँ पर देखे जा सकते हैं? देखो इस टाइम जैसे मौसम बदलना शुरू हो गया, नई सब्जियाँ आनी शुरू हो गई है मंडी में, जैसे साग नई सब्जी शुरू हो गई है, पालक आना शुरू हो गया है जी, मूली लोकल आनी शुरू हो गई है जी। जैसे ठंड बढ़ती जाएगी लोकल सब्जी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो आज जो है यहाँ पर काफी रश है, काफी सोमवार को हालांकि आपके साथ हर सोमवार जुड़ते हैं लेकिन अभी रश कुछ ज्यादा यहाँ पर दिखने लगा है। आज रश इसलिए है क्योंकि पंजाब सारा बंद है और पंजाब का ग्राहक भी इधर आया हुआ है, पंजाब भारत बंद के चक्कर में पंजाब टोटली बंद है। पंजाब बंद का असर, भारत बंद का असर यहाँ पर भी देखा जा सकता है। तो रेट्स की शुरुआत यहाँ से करते हैं जी, अदरक क्या भाव है जी? देखो जी अदरक बिका जी, एक नया लाल अदरक है हिमाचल का जी, वो बिका 40 रुपए किलो जी। जी जो दूसरा है अपना एक आता है बेंगलोर से जी, वो बिका 35 रुपए किलो जी। ओके, तो इन दोनों में फर्क क्या आता है जी? फर्क जो लाल अदरक है उसकी थोड़ी लाइफ ज्यादा है जी, जो अपना सफेद वाला अदरक है उसकी लाइफ थोड़ी कम है जी। लहसुन के क्या हाल है जी? लहसुन यही बिक रहा है जी 65 रुपए किलो जी। तो बाहर से आने वाली और क्या क्या चीजें यहाँ पर है जी? जैसे टमाटर बाहर से आ रहा है जी, जी क्या हो यार? उसके बाद बाहर से प्याज बाहर से आ रहा है जी, और आलू बाहर से आ रहा है। टमाटर के क्या हालात है जी? टमाटर बिकाइए 700 रुपए का क्रेट। 700 रुपए क्या क्वांटिटी रहती है जी? लगभग देखो जी पड़ जाता है क्रेट में ही 32 से 34 रुपए किलो, 32 से 34 किलो, 24 किलो निकलता है। और प्याज के क्या हाल है जी? प्याज भी देखो महंगा आगे से, प्याज भी का बढ़िया, प्याज 2.5 रुपए किलो जी, प्याज महंगा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर टमाटर के रेट आपके साथ साझा कर चुके हैं नित्यानंद जी। और आलू के क्या हाल है जी? आलू जी आलू बिक रहा है बढ़िया जो है 9 से लेके 12 रुपए तक जी, 9 से 12 रुपए किलो। गोभी अब बाहर से ही आ रही है फिलहाल? हाँ जी गोभी नहीं, गोभी लोकल भी शुरू हो गई, बाहर से भी आ रही है। गोभी के क्या रेट है जी? गोभी बिकी 20 से लेके 35 रुपए तक, 20 से 35 रुपए किलो। हाँ जी। और पत्ता गोभी? पत्ता गोभी बिकी 12-13 रुपए जी। फ्रांस बीन के क्या हाल है जी? फ्रांस बीन बिकी 50 से 55, 50 से 55। हरी मिर्ची? हरी मिर्च बिकी 30 रुपए किलो जी। और शिमला मिर्च? शिमला मिर्च बिकी 50 से लेके 65 रुपए किलो जी। हरा धनिया यहाँ पर काफी मात्रा में दिखाई दे रहा है और पहले से जो है वो काफी ज्यादा हरा धनिया दिखने लगा है, तो हरा धनिया क्या रेट है? बिक रहा 100 से 120 तीस, 100 से 120 तीस। और खीरे के क्या हाल है जी? खीरे लगभग बिक रहा 20 रुपए किलो जी। खीरे का अभी यहाँ से ऑफ सीजन माना जाएगा अरुण जी? हाँ जी, हाँ जी, बस अब सीजन खत्म होना, एक हफ्ते की गेम है, खत्म हो जाएगा। लोकल जो यहाँ पर जाल वाली सब्जियाँ आ रही थी वो क्या उनके हालात है, क्या अभी वो चल रही हैं या क्या आने वाले दिनों में यहाँ पर होने वाला है? हाँ चल रही है, वैसे घटना शुरू हो गई है, घटना शुरू हो गई है। कद्दू के क्या रेट है जी? कद्दू बिकाई 7-8 रुपए किलो जी। और घिया 10 से लेके 15 रुपए तक जी। करेले के क्या हाल है जी? करेला बिका 25 रुपए किलो जी। और रामतोरी? रामतोरी बिकी 14-15 रुपए किलो जी। शिमला मिर्च एक बार रिपीट कर दीजिए सर। शिमला बिकी 50 से लेके 65 रुपए किलो, दिल्ली वाली होगी 65 रुपए किलो, और जो चंडीगढ़ वाली है जो सोलन वाली है वो बिक रही है 40 से लेके 50 रुपए किलो तक। ओके, और ये भिंडी के क्या हाल है जी? भिंडी बिकी 15 से 18 जी। मूली आ रही है, मूली के क्या रेट है जी? मूली जी मूली बिक रही है, मूली बिक रही 10 से लेके 15 तक। मूली का रेट कम हुआ पहले से? हाँ जी पहले से कम हुआ, लोकल शुरू हो गई है। लोकल शुरू हो गई है। हाँ जी। अभी लोकल सब्जियों की बात करें तो मटर भी यहाँ पर होता है, तो उसको आने में कितना देर यहाँ पर है जी? मटर आने में कम से कम अभी तो है जी लग जाएगा 1-1.5 मंथ लग जाएगा जी, अभी 1-1.5 मंथ लग जाएगा। और मटर की अगर हम बात करें तो अभी कहाँ से आ रहा है जी? अभी तो कुल्लू का आ रहा है, मटर काफी महंगा जी। कितना रेट अभी है जी? मटर बढ़िया मटर 130 रुपए किलो जी, सब्जी मंडी में। हाँ जी सब्जी, और बाहर जाते जाते तो निश्चित रूप से काफी महंगा हो जाएगा। फलों की अगर हम बात करें तो अरुण जी इस वक्त फल कौन कौन से है, सेब के अलावा कौन कौन सा फल यहाँ पर मौजूद है? इस टाइम जो ज्यादा है सेब ही है इस टाइम जी। तो संतरा कब तक आ रहा है जी? संतरा थोड़ा बहुत आ रहा है पर अभी मार्केट में कम ही है क्योंकि अभी डिमांड भी नहीं है।
तो अभी महंगा भी काफी होगा? महंगा बहुत होगा जी। क्या रेट अभी है जी? लगभग होगा जी 80-100 रुपए किलो जी। 80 से 100 रुपए किलो। हाँ जी। सेब के क्या हालत है जी? सेब बिक रहा है जो बढ़िया क्वालिटी का सेब है वो 70 से लेकर 80 रुपए तक का बढ़िया सेब। और बीन्स के रेट एक बार फिर से कर दीजिए रिपीट। 50 रुपए किलो जी। 50 रुपए किलो। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं जो सब्जी मंडी में काफी चहल पहल है। गंडियाली क्या रेट है जी? गंडियाली लोकल सब्जी रहती है काफी? हाँ जी, गंडियाली बिक्री लोकल 15 रुपए किलो जी। और अरबी? अरबी बिकी 12 रुपए किलो जी। अरबी 12 रुपए किलो। बैंगन के क्या हाल है जी? बैंगन बिका 15-16 रुपए किलो जी। और ये सरसों का साग जो यहाँ पर अभी न्यू अराइवल सब्जी मंडी में हुआ है, क्या रेट अभी चल रहा है? सरसों का साग लोकल है, काफी फेमस रहता है जी। 10 से लेकर 15 रुपए किलो जी। गुच्छी होती है इसमें? हाँ, तोल के बिकता है किलो के साथ। तोल के बिकता है। हाँ जी। तो पालक के क्या हाल है जी? पालक बिकी 25 से लेकर 30 रुपए किलो जी। 25 से 30 रुपए किलो। हाँ जी। तो फलों में अभी सेब जो है वो यहाँ पर किन्नौरी सेब के क्या हाल है जी? किन्नौरी सेब बिक रहा है 110 रुपए किलो जी। किन्नौर का सेब 110 रुपए। शिमला से आने वाला? शिमला वो तो बिक रहा है 60 से 80। ओके। और ये कुल्लू मनाली के सेब का क्या हाल है जी? इसका सेम ही पूछ रहे हैं, 60 से 80। शिमला कुल्लू मनाली का सेब सेम है? हाँ जी। और गार्लिक? गार्लिक ये बिक रहा है जी अपना जो बढ़िया है 65 रुपए किलो जी। 65 से 70 रुपए किलो। रोशन भारद्वाज जी गार्लिक के बारे में पूछे। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सही और सटीक जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। मौसम बदल रहा है और सब्जी मंडी के हालात भी यहां पर बदल रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफी चहल पहल। भारत बंद का ये असर है कि पंजाब का भी काफी ग्राहक आज सब्जी मंडी ऊना में इस वक्त मौजूद है। काफी भीड़ भड़क्का यहाँ पर दिख रहा है। अमूमन हालांकि सोमवार को आपके साथ जुड़ते हैं, ऐसे हालात शायद ही कभी देखने को मिले, लेकिन आज यहाँ पर भीड़ जो है वो काफी है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं स्ट्रीम को शेयर करें और जो भी आप जानकारी चाहते हैं हमें जरूर लिख भेजिएगा। पोटैटो का एक बार फिर से बता दीजिए अरुण जी। पोटैटो वगैरह बढ़िया 9 से लेकर 12 रुपए किलो तक। बढ़िया वाला 900। और दूसरी किस्म जो है उसकी जो हल्के वाली है वो 7-8 रुपए किलो बिक जाता है। 8 रुपए किलो तक। तो अभी आने वाले दिनों में नवरात्र मेला आ रहा है, नवरात्रों में क्या रहने वाला है आलू को लेकर? आलू को ज्यादा तेजी नहीं आएगी, स्टॉक काफी है आलू। ओके। तो अभी और सब्जियां जो है वो बाहर से आने वाली कौन कौन सी सब्जी यहाँ पर देखी जा सकती है? जैसे बाहर से आ रहा है शिमला मिर्च बाहर से आती है जी, और उसके बाद टमाटर हो गया जी, जी प्याज हो गया जी, जी आलू हो गया जी, और लहसुन हो गया जी, अदरक हो गया जी। जापानी फल यहाँ पर है जी? नहीं, इधर नहीं आता जी। अनार के क्या हाल है जी? अनार बिका जो 60 से लेकर 70 रुपए किलो जी। जी। जो एक नासिक का नारा था वो बिका 100 से 110 रुपए किलो जी। 100 से 110 रुपए। और अभी यहाँ पर बंद गोभी बता दीजिए एक बार फिर से। बंद गोभी 12 रुपए बिकी जी। बंद गोभी 12 रुपए किलो है जी। हाँ जी। तो स्ट्रीम को आप जरूर शेयर करें हमारे साथ, तमाम जानकारियाँ अरुण जी ने साझा की है। इस वक्त सब्जी मंडी के हालात भी आपको दिखाएंगे थोड़े बहुत। यहाँ पर काफी चहल पहल और निश्चित रूप से भारत बंद का ये असर की पंजाब की मंडियां आज पूरी तरह से बंद हैं और सब्जी मंडी ऊना पूरी तरह से गुलजार। बने रहिए लाइव टाइम्स टीवी के साथ, तमाम जानकारियां और अपडेट्स लेकर आपके बीच आते रहेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य, धन्यवाद।